नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रंग का बहुत ही सिंपल सा डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन केवल दो फंदों का है, एक फंदा हम एक्स्ट्रा लगाएंगे और एक फंदा हमारा किनारे का रहेगा। हमारा डिजाइन केवल चार रो का है, जिसमें से रो नंबर दो और रो नंबर चार हमें सिर्फ उल्टी उल्टी ही बनानी है। वैसे तो रो नंबर एक और रो नंबर तीन भी उल्टी बनानी है। अगर आपको केवल उल्टा बनाना आता है तो भी बहुत आसानी से आप इस डिजाइन को बना सकते हो। हमारा ये डिजाइन हर तरह की ऊन पर, हर तरह के रंग पर, हर प्रोजेक्ट पर बहुत सुंदर खिलकर आता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग करें, ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। और बैक से देखने पर हमारा डिजाइन इस प्रकार का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आइए अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर यहाँ पर दो के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा है और एक एक फंदा हमारा किनारे का है। सीधी साइड से ये हमारे डिजाइन की रो नंबर एक है। पहला फंदा आप बुन कर बनाए या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। दो फंदों का डिजाइन है। सबसे पहले हम अपनी ऊन को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों धागों को अपनी ओर कर लेंगे। अब इन दोनों धागों में से एक धागा ऐसा है जो लगातार खींचता है और एक धागा हमारा खींचता नहीं है। तो जो धागा हमारा खींचता नहीं है उससे हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे। एक दो, और इस धागे को हम पीछे से खींच देंगे। बस दो फंदों का डिजाइन केवल इतना ही है। इससे डिजाइन को मैं रिपीट कर रही हूं। फिर से दोनों धागे मैंने आगे कर लिए हैं और जो धागा खींचता नहीं है उससे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। एक दो, और इस धागे को हम पीछे से खींच देंगे। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार डिजाइन रिपीट कर लिया। इससे डिजाइन को मैं फिर से बना रही हूं। और धागे को हम पीछे से खींच देंगे। दोनों धागे अपनी ओर कर लिए। इस तरीके से पकड़कर, यहां से पकड़कर, इस तरीके से दोनों धागे अंदर कर लिए। और ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। एक्स्ट्रा फंदा भी हम सेम मेथड से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाकर धागे को हम पीछे से खींच देंगे और ये हमारा किनारे का फंदा। सीधी साइड से रो नंबर एक हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर दो बना रहे हैं। रो नंबर दो हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। राइट साइड रो नंबर तीन एक फंदा हमारा सीधा। रो नंबर तीन में हमारा जो एक्स्ट्रा फंदा है वो पहले बनेगा और बिल्कुल सेम मेथड से बनाएंगे। लूप पहले आगे कर लेंगे और एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और धागा पीछे से हम खींच देंगे। जो एक्स्ट्रा फंदा था बना लिया। अब सेम मेथड से हम इन दो फंदों को बनाएंगे। ये धागा लिया, अपनी ओर कर लिया और दो फंदे हमने उल्टे बना लिए। एक दो,
और धागे को पीछे से खींच देंगे। फिर से इन दो धागों को इकट्ठा आगे खींचा और दो फंदे उल्टे, एक दो, पीछे वाले धागे को खींच देंगे। फिर से इन दो फंदों को इस तरीके से पहले आगे बना लेंगे, आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इसको हम इस तरीके से खींच देंगे, ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा। सीधी साइड से रो नंबर तीन हमने कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड से रो नंबर चार बनाएंगे। रो नंबर दो और रो नंबर चार दोनों सेम है, हमको सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। इसके ऊपर अब हम रिपीटेड रो नंबर एक बना रहे हैं। रो नंबर एक में एक्स्ट्रा फंदा हमारा पीछे आएगा, बिल्कुल पहले की तरह दोनों धागे आगे करके जो धागा खींचता नहीं है उससे हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक और दो, और इस धागे को हम खींच देंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को दोनों साइड से जितना मर्जी बड़ा कर लें। डिजाइन केवल इतना ही है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।